भाई से पूछते हैं हैदराबाद के मौसम के लिए, जो मौसम तब्दील हो रहा है, इस मौसम के लिए कौन से पौधे लगाना चाहिए और कौन से नहीं लगाना चाहिए, कौन से कारामद होते हैं जो मौसम की तब्दीली में मदद करें हमारी। तो ये जो पानी खींचता है इसका नाम मोनोकार्पेट है, मोनोकार्पस। तो ये ज़मीन से जहाँ ज़मीन गीली हो या ज़्यादा पानी आ गया हो तो मोनोकार्पस और ये सफ़ेदे का पौधा लगाया जाए तो ये ज़मीन को खुश कर देता है और पानी को पी जाता है बहुत जल्दी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भाई आज हम जा रहे हैं पौधों की नर्सरी, तो बस निकल गया वाला है, तैयारी कर लिया व्लॉग्स बनाने के लिए। तो आपको ये बताएंगे कि पौधे क्यों ज़रूरी है और ये जो मौसम की तब्दीलियाँ हो रही है पाकिस्तान में, कि सैलाब आ रहा है तो वाफर मकदार में आ रहा है, बारिश हो रही है तो हो ही चले जा रही है, पहले ऐसे कभी भी नहीं होता था जब बारिश होती थी कि वो महीनों महीनों चल रही है, ये मौसम की तब्दीली हुई है। हमने दरख्तों को पौधों को काटना शुरू कर दिया, इनमें कचरा फेंकना शुरू कर दिया, इनको ख़राब करना शुरू कर दिया। तो वही बात है कि पौधा लगाना है और दरख्त बनाना है, तो आपको बताएंगे कि इसमें कौन से शहर में कौन सा पौधा लगाया था हमारे हैदराबाद के शहर के लिए, कि कौन कौन से पौधे लगाना चाहिए। हर शहर का अपना मौसम होता है, उसके मौसम के हिसाब से वहाँ पौधे लगाए जाते हैं तो वो ज़्यादा फायदे देते हैं उस शहर में। तो हमारे हैदराबाद में कौन से पौधे लगेंगे, किस तरीके से लगेंगे, वो हम इस वीडियो को बताएंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हमारे साथ चलते हैं नर्सरी। चलो, तो बांद रोड हैदराबाद नजीफाबाद। ये पूरी पट्टी में वहाँ से लेके यहाँ तक सब्जी का पूरी पट्टी में नर्सरी है। ये यहाँ से शुरू हो गई है नर्सरी। ये बहुत बड़ा रोड है, तकरीबन 8 से 10 मिनट गाड़ी चलती है फिर ख़त्म होता है। ये पूरे रोड पर नर्सरी है। ये इसी तरीके से ये हालिया बारिश हुई है जिसकी वजह से अपने ये यहाँ से हटा दी गई है। तो यहाँ काफ़ी इन्होंने गमले वगैरह रखे हुए थे, पौधे रखे हुए थे। ये देखे भाई, ये पूरे रोड पे नर्सरी है माशाल्लाह से, ये पूरी भरी पड़ी है। ये कलर वाले माशाल्लाह से खूबसूरत गमले अच्छे लग रहे हैं। तो भाई से पूछते हैं ये हैदराबाद के मौसम के लिए, जो मौसम तब्दील हो रहा है, इस मौसम के लिए कौन से पौधे लगाना चाहिए और कौन से नहीं लगाना चाहिए, कौन से कारामद होते हैं जो मौसम की तब्दीली में मदद करें हमारी। तो ये जो पौधा है, ये जो आप बता रहे हैं, ये चांदनी है पौधा, ये 12 महीने। अच्छा, चांदनी है, 12 महीने रहेगा, ये कोई ख़राबी वगैरह तो नहीं होती अब तो। अच्छा, ये नीम का पौधा जो है हैदराबाद के मौसम के लिए सही रहता है 12 महीने का। और ये आप जो बता रहे हैं ये वाला, ये चांदनी है, ये 12 महीने का पौधा है। और ये कौन सा, ये कैनल बोल्ट पड़ा है, कैनल बोल्ट। ये कैनल बोल्ट का 12 महीने का, ख़राब वगैरह नहीं होता है, ख़राब नहीं होता, पक्का पौधा है। तो अगर घर में हम जैसे लगाएं तो ख़राब नहीं होगा, लग जाएगा। एक ये भी लिया था, ये तुलसी का, ये बहुत जल्दी जल गया, ये बोला बहुत नाजुक होता है, ये नरमादा भी होता है इसमें। अच्छा, तो दोनों लगते हैं या एक ही लग? वो दोनों लगते हैं। अच्छा, दोनों बोले लगा लो, एक ही लगा लो। अच्छा, ये बहुत जल्दी जल गया हमारा ये, मगर इसकी आप जो खुशबू होती है ना, ये वो पौधा है कि इस पौधे के बारे में बहुत बरकती पौधा है। और पहले के बुजुर्ग अपने घरों में रखा करते थे मेन गेट के किनारे, तो ये इसमें खुशबू भी रहती है इसके अंदर, आप इसके सूंघेंगे ना ये चीज़ें, तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है इसका। इसको तुलसी का पौधा भी कहते हैं। इसके ये भी फ़ायदे हैं कि इसको घर में रखने से मच्छर नहीं आते। जो लोग मच्छरों से परेशान हैं, ये ऐसी आबादी में रहते हैं जब मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए और बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से, पानी खड़ा होने की वजह से मच्छर हो रहे हैं, आप ये वाफर मकदार में अपने घर पर रखें, इसकी खुशबू से मच्छर नहीं आते। और दूसरी बात ये है कि ये एक कनी छोटी सी जो है ना, ये आप अपने तकिए के किनारे रख के सोएं, इंशाल्लाह आपको सुकून की नींद भी आएगी। इस तुलसी के पौधे के फ़ायदे, और मच्छर भी नहीं आएंगे।
ये इतना यानी कि काम का पौधा है, मगर इसकी देखभाल बहुत करना पड़ती है, बहुत नाजुक पौधा होता है। तो हैदराबाद के मौसम के लिए नीम का पौधा बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ये जो भाई ने बताया ये पौधा, ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है इस मौसम की तब्दीली के लिए। तो दूसरे और कोई पौधे ऐसे हो जो घर में लगा सकते हो, जो हमारे व्यूवर्स देखें और उनको? चटुआ पड़ा हुआ है, लाल फूल वाला। अच्छा, 12 महीने का है। कौन सा है ये? जतुबा, लाल फूल वाला। जतुबा? हाँ। अच्छा, ये जतुबा बता रहे हैं, ये लाल फूल वाला। इनका भी मौसम होता है, जैसे बताते हैं बाहर में और बारिश के मौसम में पौधा लगाना चाहिए, सही बात है? हाँ, मौसम होता है ना। अच्छा, बाहर के मौसम में और बारिशों के मौसम में जल्दी पौधा बड़ा होता है। अच्छा, ये मैंगरू एक पौधा है, जहाँ नदी नालों या दरियाओं के किनारे ये लगाया जाता है, और ये मीठे और खारे पानी में दोनों में चल जाता है। तो उसका ये भी फ़ायदा होता है कि वो जो सैलाब की सूरत हाल होती है, वो जो मौसम की तब्दीली होती है, वो मैंगरू का जो पौधा है वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है, वो भी लगाना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जो साइटों में रहते हैं, जिनके यहाँ नहरें वगैरह हैं, साइट इलाकों में पानी वगैरह है, तो मैंगरू का जो पौधा है वो लगाएं तो वो बहुत फ़ायदा देता है। अच्छा, ये गमले के बारे में बता दें ज़रा। अच्छा, तो ये जो बड़े साइज़ के जो गमले हैं, ये तो इसमें लगाना चाहिए या पहले छोटे साइज़ के गमले में लगाना चाहिए? ये गमले में साइज़ नहीं, ये साइज़। अच्छा, कौन सा वाला? ये साइज़ सही रहता है पहले, यानी कि छोटा थोड़ा गमला हो। अच्छा, ये साइज। अच्छा, कुछ जैसे ये पौधा वगैरह है जो ये इसी साइज़ के गमले में रखते हैं, अगर गमला छोटा हो तो उससे क्या होता है? जैसे कोई ये पौधा वगैरह है, ये साइज़ के छोटे पौधे हैं, अगर ये नॉर्मल इस गमले के पौधे में लगा दें ये छोटे वाले में, तो उससे क्या होता है? सामने। अच्छा, तो छोटे गमले लगाने से पौधे भी ख़राब होते हैं, ये भी वजह है? ये नहीं, छोटे गमले नहीं लगाना ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा छोटे ना हो, नॉर्मल हो, यानी कि पौधे के हिसाब से गमला हो। तो ये क्या क्या हिसाब के हैं ये गमले? ये वाला 600 रुपये का कलर वाला जी। अच्छा, कोई गुंजाइश वगैरह है इसमें? कोई आया तो कोई गुंजाइश हो जाएगी इसमें? गुंजाइश 550 रुपये तक देंगे। अच्छा, यानी कि 550-550 रुपये तक हो जाएंगे। तो ये दूसरे सारे एक ही रेट के रखे हैं आगे तक ये? अच्छा, सही। अच्छा, ये कौन सी बेल बता रहे हैं? ये सेरा बेल है। सेरा बेल है। इसके क्या मकसद? ये फैलती है, ये 12 महीने की है। ये 12 महीने का पक्का पौधा। अच्छा, ये जाली वगैरह पे, अपनी ग्रिल वगैरह पे, दीवार वगैरह पे लगा के छोड़ दें? अच्छा, इसका भी यही, यानी कि हर पौधे का ये हिसाब किताब है, सुबह एक दफ़ा पानी दें? एक ही टाइम पानी दें। अच्छा, देखे भाई, तेज गहरे कलर के ये माशाल्लाह से ये पौधे हैं। ये बेल है या पौधे हैं? ये पौधा है। अच्छा, पौधे हैं ये, 3-4 गमलों में रखे हैं। ये देखें कलर वाले गमले और ये। अच्छा, ये बड़े पत्ते हैं, ये किस चीज़ के हैं? ये रूसिया है, ये शोपीस का है, 50-50 किलो होते हैं। ये रूसिया का है, शोपीस वगैरह के लिए? शोपीस के लिए। अच्छा, तो ये 12 महीने चल जाएगा या सीज़न वाइज है? 12 महीने का पौधा। अच्छा अच्छा नीम का पौधा देसी सही रहता है या चाइना का सही रहता है? चाइना का जल्दी बढ़ता है। अच्छा, चाइना जल्दी ग्रो कर जाता है जैसे इस्तेमाल? अच्छा, ये चाइना वाला, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये दूसरी चीज़ है, ये केशिया है। अच्छा, केशिया का? अच्छा, खाली दरख्त बनेगा, ये छांव करेगा ये। अच्छा, ये छांव वगैरह के लिए? सही लगते हैं। तो इन गमलों के रेट वगैरह, इसके पौधे समेत क्या रेट है इसके? इसके रेट गमले में 400 रुपये है। 400 रुपये का। और ये जो मुख्तलिफ लगे हुए हैं ये बड़े पत्तों में, ये 200 है। ये 200 के हैं। अच्छा, जो नीम का जो काम आएगा हैदराबाद के मौसम के लिए, वो कितने तक का मिल जाएगा नॉर्मल? वो थैली में मिल जाएगा 100 रुपये का ये। अच्छा, गमले के अंदर मिल जाएगा 100 रुपये तक का, छोटे गमले में? छोटे गमले में 150-200 का मिल जाएगा। सही। ये माशाल्लाह से बिल्कुल हरा भरा हो रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ से आप देखें बस ये लोकेशन। क्या बात है यार पौधों के, माशाल्लाह से। हैदराबाद के मौसम के लिए
ये जो आपको तफसील दी है ये पौधा आप लगा सकते हैं ताकि हम अपने मुल्क को बचा सकें। इसमें मौसम की जो तब्दीली आ रही हैं कि बारिशें हो रही है, हमारा नुकसान वगैरह हो रहा है। तो जो पहले दरख्त हुआ करते थे घने, वो हमने काट के बिल्कुल खाली कर दिया अपने पाकिस्तान को। तो वही बात है कि पौधा लगाना है, उसे दरख्त भी बनाना है। ये देखें भाई, बड़े पत्तों वाले मार, ये देखें आप हरियाली देखें माशाल्लाह से, खूबसूरती देखें, मेरे रब की शान के पौधों में कितनी खूबसूरती दी हुई है। ये देखें माशाल्लाह, ये आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ ज़रा, ये देखें भाई क्या खूबसूरती है इन पौधों की। ये जब घर में लगेंगे आपके सहन में कितना खूबसूरत लगेगा आपका, जिनको पौधे रखने का शौक़ है। ये देखें, ये खूबसूरती के लिए है। ये देखें, जब यहाँ से हरियाली चेक करें, ये माशाल्लाह इनके कलर चेक करें आप, तो ये जो पानी खींचता है इसका नाम मोनोकार्पेट है। कोनोकार्पस। तो ये ज़मीन से जहाँ ज़मीन गीली हो या ज़्यादा पानी आ गया हो तो मोनोकार्पस और ये सफ़ेदे का पौधा लगाया जाए तो ये ज़मीन को खुश कर देता है और पानी को पी जाता है बहुत जल्दी। अच्छा, तो ये सब ये सैलाब वगैरह आए हैं या जिनके लोगों के घर सेम में हो गए, ज़मीनें पानी छोड़ रही हैं तो ये पानी पी जाएगी। ये चारों तरफ लगाना चाहिए उस इलाकों में, फिर पानी खत्म हो जाएगा। अच्छा, यानी कि चारों इलाके में चारों तरफ लगा दें तो ये मोनोकार्पस और ये सफ़ेदे का पौधा, और भी कोई ऐसा पौधा है जो ये ज़मीन का पानी खींचता? नीम हो गया, ये गुलमोर हो गया, लाल फूल वाला फिलावा देगा। अच्छा, नीम गुलमोर भी, ये भी है, ये भी लगाएं तो जिनके यहाँ नमी हो गई है, पानी भर गया है, ज़मीन में सेम आ गई है तो ये पौधे लगा के अपनी सेम वगैरह पानी वगैरह ख़त्म कर सकते हैं। ये मुझे मेरे चैनल सलमान अब्बासी फूड एंड व्लॉग को इजाज़त दीजिए और अपने अपनों को ख्याल रखिए, और मेरे चैनल सलमान अब्बासी फूड एंड व्लॉग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, काइंडली लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आपको ताज़ा अपडेट और मालूमात मिल सके। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।